Hi guys and welcome back to Colors and Creations. Today's video is going to be a suggestion video जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ अपने फेवरेट लिपस्टिक ऑप्शंस. सो सारी कैटेगरीज मैंने कवर किए हैं इंक्लूडिंग मैट लिपस्टिक्स, लिप ग्लॉसेस, सैटन लिपस्टिक्स एंड काफी सारे ब्रांड्स हैं जो मैंने कवर किए हैं. ऑल दीज लिपस्टिक्स आर अफोर्डेबल एंड ऑल ऑफ देम यू कैन बाय फ्रॉम Amazon. सो सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिए हैं. सो अगर आपको कोई भी लिपस्टिक, उसका ब्रांड या शेड अच्छा लग रहा है, आप जाके उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं Amazon पे. सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन. एंड बाय द वे, अभी मैं अपने लिप्स पे जो लिपस्टिक वेयर करी हुई है मैंने, वो है फ्रॉम कलर बार. ये ऑलमोस्ट यूज हो चुकी है बिकॉज ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है. ये बहुत ज़्यादा मैट नहीं है, हालांकि इसका नाम है मैट लिपस्टिक करके. द शेड इज क्लोज अफेयर. तो ये बहुत ही कोरल पीची सा शेड है, बट ये क्रीमी टेक्सचर पे, ऑलमोस्ट वेलवेटी. ये बहुत ज़्यादा सैटिन या शाइनी नहीं है, ना ही मैट है. हल्की सी शाइन आती है आपके लिप्स पे. सो अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आपको ऐसी कंफर्टेबल डेली वेयर लिपस्टिक के लिए ऑप्शन चाहिए. दिस कॉस्ट अराउंड 300 to 400. नेक्स्ट कुछ ऑप्शंस हैं लिप क्रेयॉन्स में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इनको लिप क्रेयॉन्स बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, इजी टू कैरी लगते हैं. तो ये पहला ऑप्शन है स्विस ब्यूटी से. इनके और भी शेड्स अवेलेबल हैं, मैंने यूज़ किए हैं. बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत अफोर्डेबल है. अराउंड 250 to 285 की रेंज में आती है. नेक्स्ट है ये पर्पल ब्रांड से. ये थोड़ा सा ब्राउन शेड है, काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका प्राइस है 450 rupees. सो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में नहीं है, बट 450 इज़ अ गुड प्राइस और हाईली रिकमेंड दिस वन. नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम शुगर, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट. इसका शेड बहुत ही खूबसूरत है. इसका नाम है एली वुड्स फ्रॉम शुगर और बहुत ही कंफर्टेबल है आपके लिप्स पे. बहुत ही सटल सा न्यूड ब्राउन शेड है. तो हाईली रिकमेंड दिस वन अगर आप मैट एंड कंफर्टेबल लिप क्रेयॉन्स के लिए सर्च कर रहे हैं. फोर्थ ऑप्शन है ये एक वीगन लिपस्टिक फ्रॉम माई ग्लैम. तो ये उनकी पेंसिल टाइप की स्टिक है. ये बहुत ही पिंक कलर है. ये मैट नहीं है, थोड़ा सा सैटिन फिनिश देगा आपको. ये ट्रांसफ़र प्रूफ भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है, बट काफ़ी कंफर्टेबल है लिप्स पे. और इसमें ऑयल्स हैं और थोड़ा सा ये नरिशिंग भी है. तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो लिप बटर की तरह फील हो आपके लिप्स पे, नरिशिंग हो, मॉइस्चराइजिंग हो, तो आप ये खरीद सकते हैं. तो वैसे तो ज़्यादातर लोगों को मैट लिपस्टिक्स पसंद होती है, वो मैट लिपस्टिक प्रेफर करते हैं. बट कुछ लोग हैं जिनको सैटिन फिनिश या लिक्विड जो ग्लॉस वाली फिनिश आती है वो बहुत पसंद आती है. तो उसके लिए ऑप्शन है ये लिप ग्लॉस जो कि माई ग्लैम ब्रांड से है. ये के प्ले रेंज से है और इसका नाम है रास्पबेरी पंच. तो ये एकदम रेड शेड में, इसमें बहुत सारे शेड्स भी अवेलेबल हैं. तो ये रेड शेड का लिप ग्लॉस है, बहुत शाइनी है, बहुत कंफर्टेबल है लिप्स पे. सो गुड ऑप्शन, वेरी पिगमेंटेड. नेक्स्ट है माई ग्लैम लिट सैटिन लिपस्टिक. ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सैटिन फिनिश पर है. ये देखने में अभी आपको मैट लग रहा होगा, बट ये एक्चुअली लिप्स पर लगने के बाद बहुत ही शाइनी और सैटिन फिनिश देता है. सो अगेन ट्रांसफ़र प्रूफ तो नहीं है क्योंकि सैटिन फिनिश पे है, ये मैट नहीं है. बट अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज़ शाइनी एंड सैटिन. एंड लास्ट एंड फाइनल रिकमेंडेशन इज एक्चुअली अ सजेशन कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं किसी बड़ी लिपस्टिक में क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो आप ऐसे छोटू छोटू ट्रायल पैक्स यूज़ कर सकते हैं जो कि बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल शुगर की ये बहुत छोटी सी लिपस्टिक अवेलेबल है. नेक्स्ट है ये बुलेट लिपस्टिक उनकी, जो कि बहुत ही प्यारा शेड है. तो यूज़ करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये शेड अच्छा लगा कि नहीं, ये ब्रांड अच्छा लगा कि नहीं, देन आप परचेज कर सकते हो. नेक्स्ट है ये मिनी लिपस्टिक फ्रॉम द ब्रांड कॉल पर्पल. अगेन अ ट्रायल साइज, इसको आप ट्रैवलिंग के भी बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो. बहुत छोटू सी है, काफ़ी क्यूट से है. सो वेरी गुड ऑप्शंस इफ यू वांट टू ट्राई न्यू थिंग्स. हाउ सो दैट वाज अ लॉट ऑफ टॉकिंग, काफ़ी बोल लिया मैंने. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा एंड कुछ हेल्प होगी आपको आपकी नेक्स्ट परचेज में. सो यस, आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.